Our system. In this subject, we will be dealing with only electrical power. We will see how power is generated. There are so many ways to generate power, like hydroelectricity, thermal electricity, or nuclear electricity. Once electrical power is generated, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना होता है, और ट्रांसमिट करने के भी अलग-अलग तरीके हैं. Then it is being distributed, and then the electrical power is getting utilized. So we will see the block diagram of power system. So this is the block diagram of power system, electrical power system. Here there is the energy source. The input to this system is energy source. It can be of any type. Now, generating station where generation can be done by using hydro, thermal, or nuclear. Then the transmission system is there. The transmission system can be of primary transmission, or secondary transmission. So these are the two types of transmission system. Distribution system, then it comes the distribution system. Again, distribution systems are of two types: primary distribution, and secondly it is secondary distribution. Now the last is the user, and that is utilization of the generated power. Now, if we talk about generating station, the first block, the generating system employs number of alternators in parallel to generate electrical power. The generating systems are broadly classified into two parts. The first part is conventional system. Conventional system, and the second is non-conventional system. So these are the two types of generating station: conventional or non-conventional. Now what is conventional type? Conventional type, जैसे कि थर्मल सिस्टम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, न्यूक्लियर सिस्टम. These are conventional type, and the non-conventional system includes generating electrical energy from solar energy, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी दैट मीन्स वेव एनर्जी, बायोगैस एंड सो ऑन. सो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर, ये सारे कन्वेंशनल में आ जाएंगे. और नॉन कन्वेंशनल मतलब जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, बायोगैस एट्सेट्रा. सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग डन बाय दीज टू मेथड्स. ट्रांसमिशन सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. द ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है? जो ना टू डिलीवर बल्क पावर फ्रॉम पावर स्टेशन, जहाँ पे जनरेशन हो रही है एनर्जी की, पावर स्टेशन में बल्क पावर होगा, वहां से डिलीवर करना है उनको लोड सेंटर्स पे एंड लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. सो दिस इज द वर्क ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम. नाउ एज वी हैव सी ऑलरेडी सीन, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन. जनरली हमने देखा है कि द बल्क इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन स्टेशन टू द मेजर लोड सेंटर्स बाय ओवरहेड लाइन्स एट 132, 220 और 400 किलोवोल्ट. दिस फॉर्म्स प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम. सो फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इज एम्प्लॉयड, एंड एल्यूमिनियम
conductors with steel reinforcement are run over the steel towers. Now, second mode of transmission system is secondary. यहाँ पे एट दी सब स्टेशन दी पावर इज रिसीव्ड एट 132, 220 और 400 किलोवोल्ट एंड इज स्टेप डाउन टू 66 और 33 किलोवोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पावर टू बी फेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. थ्री फेज थ्री वायर इज यूज फॉर सेकेंडरी ट्रांसमिशन. हियर कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू smaller distance and lower voltage. So the range of voltage transmitted by primary is 132, 220 or 400 kilovolt. और जब ये substation में आ जाता है तो इसको step down किया जाता है and then the range of secondary transmission becomes 66 or 33 kilo वोल्ट. नाउ ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लोअर डिस्टेंस के लिए, स्मॉलर डिस्टेंस के लिए और लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज प्राइमरी इज फॉर हाई वोल्टेज एंड लॉन्गर डिस्टेंस. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ट्रांसमिशन सिस्टम से एक सब स्टेशन या स्टेशन में आ जाता है पावर, उसके बाद कंज्यूमर पे तक लाने का काम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है. इसके भी दो टाइप्स हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दिस द सिस्टम ऑपरेट्स एट वोल्टेज लाइक 3.3, 6.6 और 11 किलो वोल्ट और इवन हायर, इससे भी ज्यादा हो सकता है एंड सम वॉट हायर देन दैट ऑफ जनरल यूटिलिटी एंड हैंडल लार्ज ब्लॉक्स ऑफ पावर. थ्री फेज सिस्टम रिक्वायर्स थ्री वायर्स इज यूज फॉर दिस पर्पज. जनरली 11 किलो वोल्ट लाइन्स रन अलोंग द रोड साइड्स ऑफ द सिटी एंड पावर इज सप्लाइड टू द बल्क कंज्यूमर एट देयर स्टेशन वेयर एवर द कंज्यूमर्स आर. नाउ हियर कम्स द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इज डिलीवर्ड टू द वेरियस सब स्टेशंस. इट इज ऑल्सो नोन एज लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन. द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन एट 440 वोल्ट और 230 वोल्ट. सो दिस इज अ लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज वॉट वी गेट एट आर होम. लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द फर्स्ट कंपोनेंट इज फीडर और ये फीडर आर द कंडक्टर्स. दीज आर द कंडक्टर्स विच कनेक्ट स्टेशंस to the area to be fed by those stations. Now the second component is distributors. Now distributors are the conductors from which numerous tapping of the supply to the consumer is taken. The third component of distribution system is the service mains. So these are conductors. Again these are conductors. Lekin these conductors connect the consumer to the distributors. We will consider or compare the AC and DC system, power system. Okay, so we will be comparing AC system with the DC system. First we will see the advantages and disadvantages of AC. For AC, first we will see the advantages. The voltage can be stepped up or down using transformer. हम ये easily कर सकते हैं. High voltage generation is easy. We know this. Maintenance of AC substation is easy and cheap. Disadvantages of AC is overhead lines जो हम सड़कों पे देखते हैं काफी, जो lines जाती हैं conductors हैं वो,
उनके बीच में काफी डिस्टेंस रखना पड़ता है सो दैट टू प्रोवाइड इंसुलेशन. लॉस ड्यू टू चार्जिंग करंट ड्यू टू लाइन कैपेसिटेंस. ऑल्टरनेटर्स आर टू बी सिंक्रोनाइज बिफोर पुटिंग इन पैरेलल एंड वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ऑल्टरनेटर्स इज टू बी कंट्रोल्ड विद इन लो लिमिट्स. The advantages of DC. It requires two conductors for transmission, so it saves lots of copper and money. No inductance, capacitance, and such problem in DC transmission. No skin effect is seen. No charging current. Underground cables can be used. No stabilizer is required over long distance. Now, the disadvantages of DC is high voltage cannot be generated because of commutating difficulties, and voltage cannot be stepped up.